अब तुम भी आम लड़कियों की तरह शादी मंगनी के ख्वाब देखने लगोगी। नहीं, मैं शादी और मंगनी के ख्वाब नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे अगर शादी या मंगनी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिश्ते की बात तो कर सकते हो ना अपने घर पे। अच्छी थी क्लास आज, तुम लोगों ने नोट किया था सारा लेक्चर? अच्छा चलो मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वो एक्चुअली एग्जाम्स होने वाले हैं तो टीचर ने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था। वेरी हाँ शरियार, भाभी को तुम्हारे बारे में पता चल गया, बहुत उल्टे सीधे सवालात किए उन्होंने मुझसे। तो तुम्हारी भाभी को हमारी दोस्ती से कोई मसला है क्या? मसला नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि ये लड़का तुम्हारे साथ सीरियस है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि अगर ये तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है तो हमारी फैमिली इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि कोई टाइम पास कर सके। वो तुम्हें बरगला रही हैं, तुम्हें उनसे कोई मसला है क्या? मसला तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें मैं कोई इतनी खास पसंद नहीं हूँ, मेरी बनती नहीं है उनसे इतनी। दफा करो यार, अब क्या उनकी वजह से हम अपनी दोस्ती ख़राब कर लें? नहीं लेकिन शहर, मैं खुद ये बात जानना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ सीरियस हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? देखा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे जहन में उल्टे सीधे ख्यालात डाल दिए, अब तुम भी आम लड़कियों की तरह शादी मंगनी के ख्वाब देखने लगोगी। नहीं मैं शादी और मंगनी के ख्वाब नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे अगर शादी या मंगनी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिश्ते की बात तो कर सकते हो ना अपने घर पे। अरे यार ऐसा मुमकिन नहीं है, और मेरे पेरेंट्स इतनी जल्दी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। शादी या मंगनी नहीं, लेकिन मेरे घर वालों से मिलने तो आ सकते हैं ना। ये भी मुमकिन नहीं है, और वैसे भी मैं अभी 21 साल का तो हूँ यार। 21 साल की उम्र में तुम दोस्ती कर सकते हो, लेकिन मंगनी और रिश्ते की बात नहीं कर सकते। ये तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए था, और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। ठीक है, इसका मतलब है कि भाभी ठीक कह रही है ना, तुम कर रहे हो मेरे साथ टाइम पास ही। मैंने ऐसा कब कहा है, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ यार, हर बात का एक वक्त होता है और वो वक्त तो आने दो। मैं तुम्हारे लिए सच में सीरियस हूँ। ठीक है फिर तुम फिलहाल भाभी से तो मिल लो, ताकि वो घर में सबको नहीं बताएं। ठीक है मिल लूंगा। मुझे कहती जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।